हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे एक एक्सटेंशन बोर्ड बना सकते हैं। तो इस एक्सटेंशन बोर्ड को बनाने के लिए आपको 2 5 एम्पीयर के सॉकेट चाहिए और 2 स्विच चाहिए और आपको इक्विपमेंट चाहिए। सबसे पहले आपको एक एंड्रॉयड फ़ोन का बॉक्स चाहिए, 2 5 एम्पीयर के सॉकेट चाहिए, 2 1-way स्विच चाहिए, 1 कॉम्बिनेशन पैर चाहिए जिसको हम प्लासी बोलते हैं। आपको एक वायर चाहिए जो कि करेक्शन देने के लिए चाहिए, एक कटर चाहिए, टेस्ट पेन चाहिए, इलेक्ट्रिशियन टेप चाहिए, एक प्लग चाहिए, एक मार्कर चाहिए मार्किंग करने के लिए, और आपको एक पेचकस का सेट चाहिए। और आपको एक्सटेंशन बोर्ड में जो वायर लगानी है, लंबी वायर, उसको लगभग आप अपनी चॉइस के अनुसार लगा सकते हैं, ले सकते हैं। मैंने अभी 5 मीटर की वायर ली है। और एक्सटेंशन बोर्ड को बनाने के लिए आपको जो एंड्रॉयड फ़ोन का बॉक्स चाहिए, उस एंड्रॉयड फ़ोन के बॉक्स का ऊपर का हिस्से को आप रख लें और जो नीचे का हिस्सा है उसको आप साइड में रख लें। तो नीचे के हिस्से को मैंने साइड में रख दिया है और ये जो एंड्रॉयड फ़ोन का बॉक्स है इसके ऊपर के हिस्से को हम यूज़ करेंगे। तो जो 2 सॉकेट और 2 1-way स्विच हमें इसमें लगाने हैं उसको पहले आप बॉक्स से निकाल दीजिए। तो मैंने अभी बॉक्स से 5 एम्पीयर की सॉकेट निकाल दी है। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों 5 एम्पीयर की सॉकेट बॉक्स से निकाल दी है और दोनों स्विच निकाल दिए हैं। और अब मार्किंग करने के लिए अब इन दोनों 5 एम्पीयर की सॉकेट और दोनों 1-way स्विच को हम एंड्रॉयड फ़ोन के बॉक्स के ऊपर रख देंगे, इसके सेंटर में हम इसको रख देंगे। सबसे पहले 5 एम्पीयर की जो सॉकेट है उसको रखेंगे, उसके बाद उसके बीच में 1-way स्विच को रखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट में हम रखेंगे 5 एम्पीयर की सॉकेट, उसके बाद दोबारा से आगे हम रखेंगे एक स्विच जो कि एक 1-way स्विच होगा। तो हम चारों को एक सीधी रेखा में रख देंगे, दोनों सॉकेट को और दोनों स्विच को, और मार्कर पेन की मदद से अब हम इसमें निशान लगाएंगे। तो मार्कर पेन से सबसे पहले आप निशान लगा दीजिए इसके बिल्कुल नीचे, सबसे नीचे, फिर टॉप साइड में ऊपर लगा दीजिए, फिर लेफ़्ट साइड में सबसे ऊपर लगा दीजिए और सबसे नीचे लगा दीजिए लेफ़्ट साइड में सॉकेट और स्विच के सबसे नीचे के हिस्से में। और उसके बाद अब जो मार्किंग करेंगे उसमें जहाँ से हमने कटिंग करनी है वहाँ से मार्किंग कीजिए। दूसरी कटिंग करने के लिए मार्किंग यहाँ से करेंगे, यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। और उसके बाद लेफ़्ट साइड में भी जहाँ से हमने कटिंग करनी है वहाँ पर एक मार्कर से एक निशान लगा दीजिए, और उसके एक ऊपर लगेगा निशान, एक नीचे लगेगा। तब उसके बाद आप सुनिश्चित कर लें कि आपने जो मार्किंग की है मार्किंग पेन से वो सही की है कि नहीं। तो अब हम सॉकेट और स्विच को साइड में रख देंगे। अब हमने इसमें मार्किंग कर दी है। जिस हिस्से को हम काटेंगे उसको आपस में दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ दें, एक सीधी सी रेखा बना दें, दूसरी साइड भी एक सीधी सी रेखा को बना दें। इसके बाद एक सीधी लाइन बनाएंगे, सीधी लाइन को जोड़ेंगे आपस में, दोनों पॉइंट हमने मार्किंग किए हुए हैं। फिर उसके बाद दूसरी साइड में हम सीधी लाइन लगाएंगे, फिर एक रेक्टेंगुलर शेप, एक शेप बन जाएगी इसके बॉक्स के अंदर, एक छोटी सी रेक्टेंगुलर शेप जिसके अंदर हम सॉकेट और 1-way स्विच को फिट करेंगे। तो जो हमने रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दिया है उसको अब हम कटर के माध्यम से काटेंगे।
जब आप कटर से इसको काटेंगे तो आप ध्यान रखें कि आपकी उंगली ना कटे, बिल्कुल सावधानी से इसको आप एक्सटेंशन बोर्ड के जो बॉक्स उसको बहुत सावधानी से काटें। कटर से ये एंड्रॉयड फ़ोन का जो बॉक्स बहुत आसानी से कट जाता है। ये देखिए रेक्टेंगुलर शेप में ये अब कट चुका है, अब बॉक्स कट चुका है। अब इसमें हम 5 एम्पीयर के सॉकेट को फिट करेंगे। अभी इसमें फिट नहीं हो रही है 5 एम्पीयर की सॉकेट, तो 5 एम्पीयर के सॉकेट को फिट करने के लिए अभी हम इसमें थोड़ा सा इसको रगड़ना पड़ेगा कटर के माध्यम से। तो कटर को लीजिए और इसको धीरे धीरे करके रगड़िए, इसको बहुत ज़्यादा आपको नहीं रगड़ना है जिससे कि सॉकेट इसमें लूज़ फिट ना हो। इसको बिल्कुल आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके रगड़ते रहें और चेक करते रहें बीच में सॉकेट और स्विच को डाल के कि उसमें वो फिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो आपने दोनों सॉकेट दोनों स्विच को इसी प्रकार से इसमें फिट करना है। तो राइट साइड से सबसे पहले मैंने इसमें एक 5 एम्पीयर की सॉकेट फिट की है। उसके बाद नेक्स्ट में मैं एक 5 एम्पीयर का स्विच लगाऊंगा, और उसके बाद नेक्स्ट में राइट से लेकर लेफ्ट तक नेक्स्ट में हम लगाएंगे 5 एम्पीयर का सॉकेट। उससे नेक्स्ट लगाएंगे एक वन वे स्विच लगाएंगे। देखिए इसमें सॉकेट फिट हो चुका है, इसमें बिल्कुल टाइट फिट हुआ है। अब इसमें इससे नेक्स्ट साइड एक स्विच लगाएंगे, और जब भी आप सॉकेट और स्विच को इसमें जब भी लगाएंगे तो आप सुनिश्चित कर लें कि आपने सॉकेट का जो सीधे वाला हिस्सा इसमें लगाया हुआ है, कहीं आपने इसमें सॉकेट और स्विच उल्टा तो नहीं लगा दिया है। हमेशा जब भी आप सॉकेट और स्विच को इसमें फिट करें सबसे पहले देख लें कि आपने सॉकेट और स्विच को सीधा लगाया है या उल्टा लगाया है। तो अभी देखिए मैंने इसको सॉकेट को बिल्कुल सीधे इसमें फिट कर दिया है। अब देखिए ये स्विच उल्टा लगा हुआ था, इसको मैंने चेक करके सीधे इसमें फिट कर दिया है। सबसे पहले सॉकेट, फिर उसके राइट से लेकर लेफ्ट तक सबसे पहले सॉकेट, फिर वन वे स्विच, फिर 5 एम्पीयर का सॉकेट, उसके बाद वन वे स्विच। इस प्रकार से आपने इसको फिट करना है। अभी इसमें फिट हो चुका है दोनों सॉकेट और दोनों स्विच। तो अब मार्कर की मदद से आप ऐसा करें कि सॉकेट के ऊपर की साइड एक छेद होता है उसमें, उससे मार्किंग कर दीजिए, और एक सॉकेट के नीचे की साइड एक छेद होगा उसमें मार्किंग कर दीजिए। सॉकेट के ऊपर और सॉकेट के नीचे दोनों साइड होल होगा उसमें मार्किंग कर दीजिए। स्विच में भी ऐसा कीजिए, स्विच के ऊपर की साइड और नीचे साइड दो होल्स दिए होंगे उसको मार्किंग कर दीजिए, जिससे कि बहुत आसानी से ये बोर्ड में फिट हो जाए सॉकेट और स्विच, क्योंकि अभी इसमें पूरी पक्की तरीके से अभी तक सॉकेट और स्विच फिट नहीं हुआ है। अब ये जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ, इस मार्किंग के अंदर नट और बोल्ट को हम फिट करेंगे जो कि हर सॉकेट और हर वन वे स्विच के साथ मिलता है। तो इसी प्रकार से तो चारों में आप ऊपर के होल में मार्किंग कर दीजिए और नीचे के होल में मार्किंग कर दीजिए दोनों सॉकेट और दोनों वन वे स्विच में। तो मेरे पास जो पेज का सेट पड़ा हुआ है उसमें बहुत सारी कीज़ दी गई हैं जिसको कि हम उसमें पेज का सेट में फिट करते हैं। तो अब सबसे पतली वाली पिन इस पेज कस में फिट कर दीजिए, और इसके माध्यम से हम इसमें छेद करेंगे। ये थोड़ी मोटी पिन है तो इसको चेंज करके अब मैं एक पतली पिन लगाऊंगा। तो पतली पिन, ये बिल्कुल पतली पिन है, इससे हमें जहाँ पर हमने मार्किंग की हुई है सॉकेट के ऊपर और सॉकेट के नीचे और स्विच के ऊपर स्विच के नीचे, इसके माध्यम से हम चारों चारों में हम छेद करेंगे। सॉकेट के ऊपर वाले हिस्से में जहाँ मार्किंग की हुई है वहाँ पर इससे छेद करेंगे। आपको ये सुनिश्चित करना है कि जब आप इसमें छेद करें तो उस समय छेद को बिल्कुल पतला रहने दें, जिससे कि नट बोल्ट इसमें बहुत आसानी से फिट हो जाएं। अगर आप पहले से स्टार्टिंग में पतला छेद कर देंगे तो पहले से स्टार्टिंग में आप बहुत मोटा छेद कर देंगे तो उसमें जो नट बोल्ट हैं वो बहुत ही लूज़ इसमें फिट होंगे और आपका सॉकेट और स्विच छिलेंगे। तो आप इसको बिल्कुल पतली पिन से छेद करें। तो
अब इसमें मैंने छेद कर दिया है, अब इसमें मैं नट बोल्ट को फिट करूँगा। तो अब देख सकते हैं कि अभी भी पेचकस सेट के माध्यम से इसमें छेद कर रहा हूँ, ये पतली पिन से छेद कर रहा हूँ मैं, जो कि पेचकस सेट में मिली होती है पतली सी पिन। इसमें बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं पेचकस सेट में। तो जो आपने पतला छेद किया हुआ उसमें आप नट बोल्ट को उसमें फिट करें। देखिए इसमें अब आप इसमें नट बोल्ट को फिट कर दें और टेस्ट पेन के माध्यम से इसको टाइट इसको घुम इसको इसमें घुमाएं, जिससे कि ये एंड्रॉयड फ़ोन के बॉक्स में बहुत आसानी से फिट हो जाएगा। छेद पतला होगा तो उसमें बहुत आसानी से ये नट बोल्ट फिक्स हो जाएंगे। तो आपने चारों जो आपने इसमें सामग्री आपने यूज़ की हुई है, आपने